गाइस ये पिकॉक की सेक्स की जो प्रक्रिया है वो जून जुलाई के टाइम पर ही देखने को मिलती है। अब जो आप देख रहे हो एक पिकॉक, एक नर पिकॉक इस मादा को रिझाने के लिए अपनी सारी कलाओं का प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन मादा का ध्यान आकर्षित होते हुए भी नर पिकॉक को इग्नोर कर रही है। मेटिंग के बाद में पिकॉक्स के एग्स जो होते हैं, यानी मादा पिकॉक मेटिंग के लगभग 45 से 50 दिन यानी 45 से 50 डेज के बाद में एग्स देती है। फिर छोटे छोटे एग से बच्चे बाहर आते हैं और फिर उनमें चटनी होती है। कुछ नर बनते हैं और कुछ मादाएं बनती हैं। लेकिन ये जो पिकॉक है, हाँ साथ साथ में जो वीडियो में जो आवाज़ आ रही है दोस्तों, ये आसपास और सारे पिकॉक्स हैं, उनकी आवाज़ें हैं, कुछ तीतरों की आवाज़ें हैं और बहुत सारे पक्षी हैं आसपास। अब देखो मादा बिल्कुल फ्रंट में और ये पूरे वाइब्रेशन से जो पंक्स में जो ये आवाज़ निकलती है, ये बहुत महत्वपूर्ण आवाज़ है और यही मादा को आकर्षित करती है। दोस्तों वीडियो को फेसबुक पर शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पहली बार देख रहे हो तो धन्यवाद।